नमस्कार, न्यूज मोबाइल के बाय द वे में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की सिंगर सोना महापात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। आज एक सूफी ग्रुप ने उनको थ्रेटन किया कि वो उनका एक नई एल्बम आई है तोरी सूरत, कि उसके अंदर उन्होंने जो सूफिज्म है उसको ठेस पहुंचाई है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जो हर चीज़ पर हस्तक्षेप करते रहते हैं, हर दूसरी चीज़ पे वो सोचते हैं कि किसी तरह उनको पब्लिसिटी मिले, उनको कैसे उन पर रोक लगाई जाए। शिप्रा, आपको क्या लगता है इस पर? एक तो सौरभ, बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी का एक बेजोड़ नाता है, वो कभी हटता ही नहीं है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होती है और एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। और मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी बेबुनियाद है, इसका कोई कुछ है ही नहीं, कोई वेटेज ही नहीं है। बिकॉज आज आप वो अगर सूफी सॉन्ग सुने जो सोना महापात्रा ने गाया है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नॉर्मल है। जो लेडीज़ डांस कर रही हैं, वो गाना गा रही हैं। आई थिंक हम बॉलीवुड में इससे बहुत बढ़ के चीज़ें हैं जो बड़े नॉर्मली देखते हैं। सो आज के ज़माने में जब हमारे पास इतने विमेन इशूज़ हैं जिसे हमें देखना है, आज हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, गाँव में उन सब में जो लेडीज़ हैं वो सब ऊपर आए, उन सबको आगे जाके सहायता मिले, उन सब चीज़ों में अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ये सूफी सॉन्ग्स और ये गाना आपने जो गाया है और जिस तरीके से फिल्माया गया है, ये किसी एक ग्रुप को ठेस पहुँचती है, तो हमें लगता है हमें पूरी तरह से आके इनको एकदम इग्नोर करना चाहिए और कुछ बात ही, मतलब इनके इनको कुछ भी वेटेज नहीं देना चाहिए। एक चीज़ और मुझे लगता है कि देखिए, सूफिज्म जो है, जैसे जावेद अख्तर ने भी ट्वीट किया, और एक ऐसी परंपरा है कि जिसको में टॉलरेंस का बहुत, अमीर खुसरो ने जो सूफिज्म के बारे में बात की, ये सब टॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा उसकी बात की, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह से उसको एक नैरो विंडो से देखना चाहिए। और जो भी इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो देश भारत, अगर आप प्रोग्रेसिव भारत की बात करें और एक ऐसा भारत जिसके अंदर प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात होती है, तो इस तरह की चीज़ इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल बेबुनियाद और इसको बिल्कुल हमें बॉयकॉट। आपने जावेद अख्तर का नाम लिया, एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने अपने ट्वीट में कही है इसी चीज़ को लेकर कि सूफिज्म एक ग्रुप का नहीं है, सूफिज्म हर इंडियन का है। आज ये गाना अगर लिखा गया है तो ये हर इंडियन के लिए है। आप जब तक कि उसका एक जो उसका पूरा एक जो उसके पीछे का एक महत्व है, अगर आप उसको कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, आप जैसे चाहें आप उस सूफिज्म को आगे ला सकते हैं। कोई उसको अपने गाने में ला सकता है, कोई अपनी डांसिंग में ला सकता है, कोई अपने टॉक में ला सकता है। ये एक इंडियन का राइट है कि वो अपना कर सकता है। आज एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हमारा ये राइट है। तो इस पूरी चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए और सोना महापात्रा को बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने कम्युनिकेशन चैनल से नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें बताएं कि सोना महापात्रा ने जो किया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि जो उन्होंने गाना गाया, जो इस तरह से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग जो हर चीज़ को कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनका क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें आप लिखें editor@newsmobile.in पर, ट्विटर पर ट्वीट करें @newsmobileindia। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।